देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में तमाम हिंदू उस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं जब अयोध्या और काशी से लेकर उज्जैन के महाकाल दरबार तक का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या में जहां मोदी योगी राज में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वही महादेव की काशी में पहले से ही बाबा विश्वनाथ दरबार में भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। जबकि उज्जैन के महाकाल दरबार में भी बाबा भोलेनाथ के भक्त और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जिसे लोग महाकाल लोक के नाम से जानते हैं। और ये महाकाल लोक इतना भव्य और सुंदर है कि तमाम हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी दिल जीत ले रहा है। तभी तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी महाकाल लोक के दर्शन करने आ रहे हैं। महादेव के दरबार में किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं होती। उनका दरबार हर जाति धर्म के लोगों के लिए खुला रहता है। यही वजह है कि 11 अक्टूबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में बने भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन किया, तो इस कॉरिडोर को निहारने वालों की लाइन लग गई। उद्घाटन के बाद से ही महाकाल लोक देखने के लिए भक्तों के साथ साथ पर्यटकों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर महाकाल लोक की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी महाकाल लोक निहारती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ ही नवनीत पांडे नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, महाकाल लोक में ये मोहतरमाएं दिख रही हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें इनकी मस्जिदों में जाना प्रतिबंधित है, लेकिन ये खुलकर हमारे मंदिरों में घूम सकती हैं। इन पर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए, ये कहीं यहाँ कुछ गलत ना करें। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर महाकाल लोक में घूमती मुस्लिम महिलाओं को देखने के बाद लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या महाकाल लोक में मुस्लिमों को भी एंट्री मिल रही है। तो आपको बता दें, इस सवाल पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने रुख साफ करते हुए कह दिया कि महाकाल लोक में कोई भी घूम सकता है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। सीएम शिवराज सिंह की सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, महाकाल लोक सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। महाकाल लोक कॉरिडोर में मुस्लिम धर्म के लोगों को भी जाने की परमिशन है। मुस्लिम धर्म के लोग महाकाल कॉरिडोर में दर्शन और भ्रमण के लिए जा सकते हैं। उनके वहां जाने के लिए किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले मशहूर पत्रकार रूबिका लियाकत भी महाकाल लोक में जा चुकी है। उन्होंने तो महाकालेश्वर महादेव के दर्शन भी किए थे और उनके सबसे बड़े भक्त नंदी महाराज से बात भी की थी। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी इस तस्वीर को देखकर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों में बौखलाहट मच गई थी। बहरहाल आपको बता दें, दो चरणों में बन रहे श्री महाकाल लोक के पहले चरण में 356 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला काम पूरा हो गया है। इसी महीने 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे जनता को समर्पित किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए बाबा महाकाल की नगरी की भव्यता को बढ़ाने का काम किया गया है। साथ ही इसमें पौराणिक कथाओं का बखान करते हुए शहर में पर्यटन लाने की कोशिश भी की गई है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। यह अद्भुतता, यह आनंद, महाकाल की यह महिमा, यह महात्मा, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं, अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है।
महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है।